हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे मुहर्रम का शरबत। ये दूध का शरबत घर में रखे हुए सामानों से बनता है और ये रेसिपी बनाने में बहुत आसान है। अगर आप बिगनर भी हैं या फिर आपको किचन में कुछ भी नहीं आता, फिर भी आप ये शरबत बनाकर ज़रूर पी सकते हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और हमेशा की तरह आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए मुहर्रम स्पेशल शरबत बनाना शुरू करते हैं। मुहर्रम स्पेशल शरबत बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पतीले में आधा लीटर दूध लिया है। इस दूध में पानी ऐड नहीं करना है और अब इसे हम गैस पर चढ़ा देंगे और एक उबाल आने देंगे। एक उबाल आने के बाद दूध को ठंडा करेंगे। अब दूसरी पतीले में आधी कटोरी चीनी डालें और उसमें पाव कटोरी पानी डाल दें। अब शक्कर को पानी में अच्छी तरह से घुल जाने दीजिए। गैस की फ्लेम लो या फिर लो मीडियम रखिए। अब आप देख सकते हैं शक्कर अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। इसमें अब उबाल भी आने लगा है। अब हम इसमें आधा टीस्पून खाने का हरा रंग डालेंगे और इसमें अब कटे हुए ड्राई फ्रूट्स भी डालेंगे और 2 मिनट पकने देंगे। ड्राई फ्रूट्स आपको जो भी पसंद है आप डाल सकते हैं। अब हम इसमें 2 ड्रॉप्स इलायची का एसेंस और 2 ड्रॉप्स केवरा एसेंस डालेंगे। अभी हमारी चाशनी तैयार हो चुकी है। अब इसे हम ठंडा होने के लिए बाजू में रख देते हैं। दूध ठंडा हो चुका है। अब इसमें भिगाए हुए सब्जी के बीज डाल दें। मैं ये चाशनी ऐड करें। अब इसे ठंडा होने के लिए रख दें, तो क्योंकि हमारी चाशनी जो है वो गर्म है। शरबत को सर्व करने के लिए मैंने यहाँ पर एक कांच का ग्लास लिया है। इसमें इस ठंडे से शरबत को हम धीरे धीरे करके डालेंगे। अब इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स और गुलाब की पंखुड़ियों से गार्निश करेंगे और इस शरबत को ठंडा ही सर्व करेंगे। इसे आप मुहर्रम के अवसर पर ज़रूर बनाइएगा। अगर आप इसे मुहर्रम के अवसर पर नहीं भी बनाते हैं तो भी आप इसे ब्रेकफास्ट में भी पी सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी है और एनर्जेटिक ड्रिंक है, क्योंकि इसमें हम लोगों ने दूध के साथ साथ ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल भी किया है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और आपके अनुभव मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। टेक गुड केयर। बाय बाय।